नमस्ते। आज हमारी प्रेगनेंसी योगा सीरीज़ का दूसरा दिन है और आज हम हमारे हिप्स पे फोकस करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमारे पेल्विस फ्लोर का खुलना बहुत ज़रूरी होता है और आज का जो हमारा आसन है अनंत आसन, वो इसी पे फोकस करता है। अगर आप इसे रेगुलरली करेंगे तो ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी मदद करेगा और आपके बर्थ को भी टोन रखेगा। अगर आपने ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम हमारे मैट्स पे आ जाते हैं। आराम से बैठ जाए और हाथ नमस्ते मुद्रा में रखिए। हम कुछ लंबी गहरी सांसें लेंगे। हमारी सांसों के प्रति सजग हो जाए। हम हमारा सेशन आज का गुरु पूजा से शुरू करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। रिलैक्स, धीरे से अपनी आंखें खोलिए। हम अब नेक रोटेशन करेंगे। पहले एंटी क्लॉकवाइज 3 राउंड और फिर क्लॉकवाइज 3 राउंड। हाफ सर्कल में आप सांस अंदर लीजिए और हाफ सर्कल में बाहर सांस अंदर बाहर। अपनी ही ले में 3 राउंड कंप्लीट कीजिए। अब दूसरी साइड 3 राउंड। एकदम धीरे से नेक रोटेशन कीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। अपने नेक मसल्स को फील कीजिए, सांसों को फील कीजिए। रिलैक्स। अब हम रिस्ट रोटेशन करेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे और क्लॉकवाइज 8 राउंड्स और एंटी क्लॉकवाइज 8 राउंड्स। अब लेफ्ट पाम को स्ट्रेच करेंगे राइट हैंड से। स्ट्रेच को महसूस कीजिए। नीचे स्ट्रेच कीजिए। अब राइट हैंड को स्ट्रेच कीजिए नीचे। रिलैक्स। अब हम पेंडुलम की तरह मूव करेंगे, लेफ्ट राइट झूमिए, अपनी ही लय में झूमिए। रिलैक्स। अब अपने राइट साइड लेट जाइए विष्णु पोज में। इसे अनंत आसन भी बोलते हैं। लेफ्ट लेग को अब ऊपर ले जाए। अप एंड डाउन 8 बार कीजिए। लेफ्ट हैंड का सपोर्ट भी ले सकते हैं। इससे हमारा पेल्विक फ्लोर खुलता है।
डाइजेशन में भी काफ़ी मदद मिलती है। ये आसन रोज़ करने से हमारे नॉर्मल डिलीवरी इजी हो जाती है। अब 60 डिग्री पे एंकल रोटेशन अप एंड डाउन 8 टाइम्स, 45 डिग्री पे हिप रोटेशन क्लॉकवाइज 8 राउंड्स और फिर एंटी क्लॉकवाइज 8 बार। हिप जॉइंट को खोलिए, मुस्कुराहट के साथ एंजॉय कीजिए और लेफ्ट एंकल को लेफ्ट हैंड से पकड़ लीजिए और आसन में विश्राम कीजिए एक बड़ी से मुस्कान के साथ। राइट लेग के टो को पॉइंट टेढ़ी रखे, स्ट्रेच रखे। धीरे से बैठ जाए, हाथों का सहारा लीजिए और अब दूसरी साइड ये सेम आसन करेंगे। राइट लेग अप एंड डाउन 8 बार। विष्णु भगवान की ऊर्जा को महसूस कीजिए, आप सब विष्णु भगवान हैं। अब 60 डिग्रीज पे एंकल रोटेशन अप एंड डाउन 8 टाइम्स और 45 डिग्री पे हिप रोटेशन क्लॉकवाइज 8 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज 8 बार। अपनी ही लय में कीजिए बड़ी सी मुस्कान के साथ। और अब राइट एंकल को राइट हैंड से पकड़ लीजिए और आसन में विश्राम कीजिए, ऊर्जा के संचालन को महसूस कीजिए। देखिए आपका बेबी कितना एंजॉय कर रहा है विष्णु आसन को, अनंत आसन। ये हमारी शरीर में अनंत ऊर्जा लाता है। धीरे से बैठ जाए और अब हम तितली आसन करेंगे, बटरफ्लाई पोज। धीरे से फिर मीडियम पेस में नीज अप एंड डाउन, फिर फास्ट पेस, बड़ी से मुस्कान के साथ। रिलैक्स। अब धीरे से सुखासन में बैठ जाए और हम 5 बार ब्रह्मी प्राणायाम करेंगे। एक हमिंग साउंड निकालेंगे गले से और पूरे अपने दिमाग को रिलैक्स करेंगे। थंब को योर के फ्लैप पे रखिए, पहली उंगली आई के टिप के पास, दूसरी आँखों के नीचे, तीसरी अपर लिप्स पे और चौथी लिप्स के चिन पे। और आवाज़ निकालते वक्त हाथों को हल्का हिलाएंगे। ब्रीद इन, फिर से सांस लीजिए, अपनी ही ले में करें।
आखिरी राउंड के लिए इनहेल। विश्राम कीजिए, ऊर्जा के संचालन को महसूस करें और उसके साथ रहिए। रिलैक्स कंप्लीटली, आंखें बंद ही रखें, शक्ति के प्रभाव को अपने शरीर में महसूस कीजिए। धीरे से अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। जब भी आपको पूर्णता लगे, आप बड़ी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। सब कैसे हैं? शांत है? आपको अपने बट्स पे फील हुआ, पेल्विस फ्लोर में फील हुआ सारे स्ट्रेचेस? सो आप अपना जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कल फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।